Welcome friends on my YouTube channel, and today we will discuss about file system. Okay, so let's start. तो first of all बात करते हैं हम normally file system होता क्या है. तो जो आपकी file होती है वो normally होती क्या है. तो file क्या होती है, normally एक ऐसा place होता है जहाँ पे normally आप अपने data को store करते हो. and file system नॉर्मली जितनी भी आपकी फाइल्स आप क्रिएट करते हो उनको मैनेज करना, उनको रिट्रीव करना, उनको एक प्रॉपर एक्सटेंशन देना, उनको एक प्रॉपर मेमोरी एड्रेस प्रोवाइड करवाना, तो ये सारे वर्क किसके होते हैं, आपके फाइल सिस्टम के. तो आज के इस वीडियो में हम नॉर्मली जानेंगे कि अपना सिस्टम है वो कितने फाइल सिस्टम्स को नॉर्मली सपोर्ट करता है. ओके फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं. तो आपका जो फाइल सिस्टम है नॉर्मली तीन प्रकार का होता है. फर्स्ट होता है आपका फैट, जिसको हम बोलते हैं फाइल एलोकेशन टेबल. सेकंड होता है आपका NTFS, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम. एंड थर्ड वन इज एक्स फैट. एक्स मीन्स एक्सटेंडेड फाइल एलोकेशन टेबल. तो इस वीडियो में हम इन तीनों के डिफरेंस जानेंगे, नॉर्मली ये तीनों का वर्क क्या है, इनके बीच में मेन डिफरेंस क्या है, ये सारा कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं फैट की, फाइल एलोकेशन टेबल, जो कि 1977 के अंदर लॉन्च हुआ था. लेकिन यहाँ पे नॉर्मली हम जानेंगे फैट 32 के बारे में, क्योंकि वो एक यूनिवर्सल फाइल सिस्टम है जो नॉर्मली विंडोज़ के सभी वर्जन को सपोर्ट करता है. तो हम फर्स्ट बात करेंगे यहाँ पे आपका फैट की. ओके, इसको हम यूनिवर्सल फाइल सिस्टम के नाम से भी जानते हैं. ओके फ्रेंड्स, और फैट का मीन्स होता है यहाँ पे फाइल एलोकेशन टेबल, विच वाज क्रिएटेड इन 1977 बाय माइक्रोसॉफ्ट. बट फैट 32 आया था आपका 1996 के अंदर. ओके, फैट को माइक्रोसॉफ्ट ने किया था 1977 के अंदर, बट फैट 32 जो लेटेस्ट वर्जन था, उसके बाद का कई वर्जन आए बीच के अंदर, लेकिन जो फैट यूनिवर्सल सिस्टम था उसको इंट्रोड्यूस किया था इन 1996 के अंदर. ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे NTFS की. तो जो आपका NTFS फाइल सिस्टम है वो स्टैंड करता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, और ये माइक्रोसॉफ्ट ने ही क्रिएट किया था इन 1993, और ये विंडोज का जो एंटी वर्जन था उसके साथ इनबिल्ट आपका लॉन्च हुआ था. जब भी आप विंडोज़ को या अपने लैपटॉप को, जब भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ का वहाँ पे लॉन्च करते हो या उसमें इंस्टॉल करते हो, देन आपका जो ड्राइव का फाइल सिस्टम होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट आपका NTFS होता है, और उसको नॉर्मली आप चेक कर सकते हो. जैसे ही आप अपने ड्राइव को ओपन करोगे, ओके, तो आप जैसे मान लो ये सी ड्राइव है आपकी, तो इसको राइट क्लिक करोगे, देन प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाके आप देखोगे तो यहाँ पे जो आपका सिस्टम है वो आपको NTFS शो करेगा. ओके फ्रेंड्स, तो नॉर्मली जो NTFS सिस्टम है वो हर एक विंडोज़ के जो भी वर्जन्स है, अप वर्जन, आफ्टर द विंडोज एनटी, ओके, तो नॉर्मली उन सारे ऑपरेटिंग सिस्टम को NTFS फाइल सिस्टम है वो सपोर्ट करता है. ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्स फैट, एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम, जिसके फुल फॉर्म है एक्सटेंडेड फाइल एलोकेशन टेबल. ओके, तो ये जो आपका एक्स फैट है वो माइक्रोसॉफ्ट ने 2006 के अंदर इसको लॉन्च किया था. और वो क्यों किया था कि जो आपका फैट 32 फाइल सिस्टम है उसमें लिमिटेशंस थी कुछ, कि वहाँ पे नॉर्मली आप डेटा को ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते, फाइल की एक खुद की लिमिट होती है, सिक्योरिटी वगैरह, तो वो वन बाय वन हम यहाँ पे नॉर्मली डिस्कस करेंगे. लेकिन आपका जो एक्स फैट है वो जो आपका फैट 32 की लिमिट्स है उनको, फैट 32 जो आपका फाइल सिस्टम था उसके कंपेरिजन में इसमें आपको बहुत सारे एडवांटेज मिलते हैं, इसलिए इसको माइक्रोसॉफ्ट ने 2006 के अंदर इसको लॉन्च किया था. ओके फ्रेंड्स, तो अब हम बात करते हैं नॉर्मली इन तीनों फाइल सिस्टम्स की, कि इनमें मेन डिफरेंसेस क्या थे. तो फर्स्ट जो आपका हम डिफरेंस जाने, तो मैक्स फाइल नेम.
तो जो आप FAT32 के अंदर अगर कोई फाइल क्रिएट करते हो तो वहाँ पे आप उसका नेम और जो एक्सटेंशन होता है वो नॉर्मली 8.3 करेक्टर्स के अंदर वहाँ पे स्टोर कर सकते हो। इट्स मीन्स होता क्या है, आप फाइल का नाम ज़्यादा से ज़्यादा 8 करेक्टर के अंदर और उसका एक्सटेंशन नॉर्मली 3 करेक्टर तक ही स्टोर रख सकते हो, जबकि NTFS और XFAT में ये सिमिलर है। 255 तक के आप नॉर्मल जो फाइल करेक्टर, फाइल का नेम के अंदर जो करेक्टर आप ले सकते हो वो यूज कर सकते हो और एक्सटेंशन की वहाँ कोई लिमिट नहीं है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं कि फाइल साइज कितनी आप स्टोर कर सकते हो अपनी ड्राइव के अंदर विदाउट पार्टीशन। ओके, तो नॉर्मल जो FAT32 था इसके अंदर नॉर्मली आप 4 GB तक के डेटा को ओनली स्टोर कर सकते थे, बट NTFS में यहाँ पे आप 16 GB तक की फाइल को स्टोर कर सकते हो अपनी ड्राइव के अंदर। और XFAT तो नॉर्मली जो बड़ी फाइल्स को स्टोर करने के लिए ही लॉन्च किया गया था, तो इसकी जो आपकी साइज है वो 128 पीटा बाइट तक की फाइल को आप नॉर्मली अपनी ड्राइव के अंदर स्टोर कर सकते हो। फिर हम बात करते हैं एनक्रिप्शन की। तो जो आपका एनक्रिप्शन का जो मेथड है वो FAT32 उसको फॉलो नहीं करता, जबकि NTFS उसको फॉलो करता है। आप जब भी फाइल को सर्वर के थ्रू सेंड करेगा तो उसको एनक्रिप्शन मतलब एक प्रॉपर वे के अंदर उसका फॉर्मेट चेंज करके उसको सेंड करेगा, जबकि XFAT और FAT32 में ये आपको प्रोवाइड नहीं होता है। फॉल्ट टॉलरेंस की बात करें तो FAT32 और XFAT के अंदर दोनों के अंदर ही नहीं मिलता, जबकि NTFS में आपको फॉल्ट टॉलरेंस, जबकि आपकी कोई फाइल बाय मान लो आप कुछ वर्क कर रहे हो देन लाइट फेलियर हो गया या कुछ और प्रॉब्लम आ गई, देन आपकी दो कॉपी आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो NTFS फाइल सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली अपने अंदर स्टोर करके रखता है, और जब नेक्स्ट टाइम आप उसको ओपन करते हो देन आपको वो ऑटोमेटिकली उनको बैकग्राउंड में रिपेयर करता रहता है, आपको ये पता भी नहीं चलता। ओके, तो यहाँ पे आपको फॉल्ट टॉलरेंस ओनली NTFS के अंदर ही मिलेगा। फिर नेक्स्ट बात आती है यहाँ पे सिक्योरिटी की। तो सिक्योरिटी यहाँ पे बात आती है एनक्रिप्शन की। तो जो आपका FAT32 है और XFAT है वो ओनली आपकी डिवाइस पे ही आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाते हैं, जबकि नेटवर्क पे नहीं। यहाँ पे ओनली आपका NTFS आपको लोकल एंड नेटवर्क दोनों पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है। फिर हम बात करते हैं कि कंप्रेस आप कर सकते हो क्या किसी फाइल को। सॉरी, यहाँ पे कंप्रेस है। ओके, तो कंपेरिजन या कंप्रेशन जिसको हम बोलते हैं, तो यहाँ पे अगर आप कंप्रेशन की बात करते हो तो FAT32 और XFAT कंप्रेशन आपको प्रोवाइड नहीं करवाता, जबकि आप NTFS के थ्रू किसी भी फाइल को नॉर्मली कंप्रेस कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं हम कन्वर्जन। तो FAT32 को हम NTFS के अंदर नॉर्मली उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, बट आपका जो NTFS है वो FAT32 के अंदर नॉर्मली आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, नॉट अलाउड। और XFAT को नॉर्मली आप NTFS के अंदर कर सकते हो, बट दैट शुड बी डिफिकल्ट बिकॉज आपका डेटा लॉस हो सकता है वहाँ पे, तो इसलिए मैंने इसको नॉट अलाउड यहाँ पे लिया है, जबकि कुछ चांसेस है बट डेटा लॉस होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा है। फिर हम बात करते हैं कॉम्पैटिबिलिटी की। तो जो आपका FAT32 है वो विंडोज 95, 98, 2000 और XP नॉर्मली इनको सपोर्ट करता है, जबकि आपका NTFS है वो जो लीडिंग आपके ऑपरेटिंग सिस्टम जितने भी है उन सबको विंडोज के सबको सपोर्ट करता है। और जो आपका XFAT है वो नॉर्मली जो आपकी स्टोरेज SD कार्ड्स होते हैं लाइक 32 GB, 64, 128, तो जहाँ पे आपको लार्ज फाइल को स्टोर करने की रिक्वायरमेंट होती है देन कॉम्पेटिबल है आपका XFAT। होप आशा करता हूँ कि ये जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा। अगर इसमें कुछ आपको समझ नहीं आया या लगता है कुछ छूट गया हो देन आप मुझे कमेंट कर सकते हो, वीडियो को आप लाइक कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स के अंदर इसको शेयर कर सकते हो, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आपको मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन नेक्स्ट टाइम ऑटोमेटिकली यूट्यूब के थ्रू आपको मिल जाए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।